हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पवार। मैं आज आपको ऑटो स्विच जोड़ के दिखाऊंगा। पहले तीनों किटकैट निकाले, अभी इसको फ्यूज भी बोल सकते हैं। निकालने के बाद में पहले लाल वाली वायर को निकाल लें। पहले तीनों वायर ऊपर लगा ले रिले के ऊपर के पॉइंट में। आप कौन सी भी वायर ले सकते हैं, लाल या पीली। पहले लाल लगा ले या पीली, कौन सी भी लगाए तो भी चलेगा। स्टॉप। अभी ये बची है चार वायर। अब और काली और हरी को मिला ले। ये मिलाने के बाद में यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगा लेना है अच्छे से। अब एक काली वायर, ये काली वाली वायर यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे ये काली वायर लगा लिया है। अभी ये बची एक सफ़ेद वाली वायर, इसको यहाँ पे लगाना है। ये सफ़ेद वाली वायर को भी लगा लिया है। फ्यूज डाल के देख लेते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो दोस्तों, हेल्दी और डेली एलईडी चालू हो गई है। अभी ऑटो स्विच सही में जुड़ चुका है। ये अभी 60 सेकंड के अंदर चालू हो जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर ऊपर की एलईडी जल रही है 40 लेट तो आपको वायर चेंज करना पड़ेगा। रिले के ऊपर तीनों वायर लगी है, उसमें से लाल और पीली को अदल बदल करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, हरा एलईडी चालू हो गया, ऑटो स्विच चालू हो गया। अभी मोटर ऑन हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।